Hi friends, this is Taukeer Alam here. Today we are going to learn how to pronounce letter I. Friends, शानदार तरीके से अंग्रेजी बोलने के लिए words का pronunciation बहुत मायने रखता है. चाहे आप English में कितना भी माहिर हो, but अगर आपका pronunciation ठीक नहीं, तो फिर आप किसी पर impression नहीं रख सकते. तो चलिए friends, आज के इस video में देखिए कि I को कैसे pronounce करना है और किस कंडीशन में इसका क्या आवाज होता है. फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके. फ्रेंड्स, आई से शुरू होने वाले वर्ड या दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आने वाला आई का आवाज ई होता है. मतलब अगर किसी वर्ड की स्टार्टिंग आई से हो या अगर आई दो कॉन्सोनेंट के बीच में आया हो तो इन दोनों सूरत में आई का आवाज ई होता है. जैसे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहां स्टार्टिंग में आई आया है तो हम इसे कहेंगे इन, बिल. यहां आप देख सकते हैं दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आया हुआ है तो यहां आई का आवाज होगा ई. हम कहेंगे किल, फ्रिल, किट, हिट, इंक, डिप, क्लिफ, फील, हील, ड्रिल, फिट, बिट, लिंक, लिप, इल, विल, पिल, विट, सिट, सिंक, शिप, टिप. तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि यह कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि अगर किसी वर्ड की शुरुआत आई से हो या अगर आई दो कॉन्सोनेंट के बीच में हो तो आई का आवाज ई होगा. आइए फ्रेंड्स, अगला रूल देखते हैं. फ्रेंड्स, अगर आई के बाद आने वाला कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद ई हो तो आई का आवाज आई होता है या आई होगा. जैसा कि फ्रेंड्स आप यहां एग्जांपल में देख सकते हैं, यहां आई आया हुआ है और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट आया है लेकिन उस कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद ई आया हुआ है. तो फ्रेंड्स, जब कंडीशन ऐसा हो कि आई लिखा हो और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट और उस कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद ई हो तो इस कंडीशन में आई का आवाज आई होता है. जैसे हम इसे कहते हैं बाइक. अगर मैं इसे लिखूं तो मैं कहूंगा बाइक, यानी ये आ मात्रा में बदल गया और आप ये ई देख सकते हैं तो इसका आवाज हुआ बाइक. उसी तरीके से इसको हम कहते हैं लाइक, यानी आई का आवाज आता है. इसे कहते हैं माइक, इसे कहते हैं हाइक. इसे हाइक क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां आई लिखा हुआ है और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट आया है और उसके तुरंत बाद ई लिखा है. तो जब कहीं आई लिखा हो और आई के बाद कोई कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट के बाद तुरंत ई लिखा हो तो आई का आवाज आई होता है. हाइक, बाइल, टाइल, राइस, डाइस, पाइल, काइट, नाइन, वाइन, चाइल्ड, ग्लाइड, वाइड, नाइस, माइन, लाइन, वाइड, माइस, राई, क्राइम, पाइप, नाइस. तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप इस कंसेप्ट को समझे होंगे कि कहीं आई है और आई के बाद कोई कॉन्सोनेंट है और उसके तुरंत बाद ई है तो आई का आवाज आई होगा. फ्रेंड्स, इसके पहले कि मैं आपको अगला रूल बताऊं, यह एक खास बात है जो आपको जानना होगा. जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, रूल्स के एक्सेप्शन होते हैं. तो यहां कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एक्सेप्शन हैं, यानी ये रूल्स के दायरा के बाहर है, यह रूल फॉलो नहीं होता. फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, आई के बाद कोई कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद ई हो तो आई का आवाज आई होता है. लेकिन फ्रेंड्स, आप यहां देख सकते हैं, यहां पर आई लिखा हुआ है और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट आया है लेकिन उस कॉन्सोनेंट के बाद ई नहीं आया है या ई के जगह पर कुछ और है, फिर भी यहां आई का आवाज आई होता है. जैसे हाइंड, ब्लाइंड, फाइंड, बाइंड,
behind, grind, mild, child. फ्रेंड्स ये सभी एक्सेप्शन है, उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को याद रखेंगे कि ये 8 ऐसे वर्ड्स हैं जहां आई के बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है और उसके बाद ई नहीं आता है, फिर भी उस आई का आवाज आई होता है। आइए फ्रेंड्स अब अगला रूल देखें। फ्रेंड्स अभी हमने सीखा कि आई के बाद आने वाला कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद ई हो तो आई का आवाज आई होता है, लेकिन फ्रेंड्स अगर वो कॉन्सोनेंट आर हो तो इस कंडीशन में आई का आवाज आया होता है। जैसे फ्रेंड्स आप यहां देख सकते हैं, यहां पर आई आया हुआ है और आई के बाद आर आया हुआ है और उसके बाद ई। तो जब कंडीशन ऐसा हो, कहीं आई लिखा हो और आई के बाद आर आया हो और उसके बाद ई आया हो, तो इस कंडीशन में आई का आवाज आया होगा। जैसे हम इसे कहते हैं डायर, मायर, डिजायर, अंपायर, वायर, स्पायर, एक्सपायर, इंपायर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहां पर आई आया हुआ है और आई के बाद आर ई आया हुआ है, यहां आई आया हुआ है और आई के बाद आर ई आया हुआ है, यहां आई आया हुआ है और यहां पर आई के बाद आर ई आया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आप ये बात याद रखेंगे, अगर लेटर आई के बाद आर ई हो तो लेटर आई का आवाज आया होता है। आइए अगला रूल देखते हैं। फ्रेंड्स अगर किसी वर्ड में आई आर के पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो और आई आर के बाद भी कॉन्सोनेंट आया हो तो इस तरह के वर्ड में आई का आवाज अ होता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहां देख सकते हैं, यहां पर आई आर है और आई आर के पहले एक कॉन्सोनेंट आया है और आई आर के बाद एक कॉन्सोनेंट आया है, तो यहां आई का आवाज अ होगा। हम इसे कहते हैं बर्थ, ये है शर्ट, ये है मर्द, ये है गर्ल। आप देख सकते हैं यहां आई आर आया है और आई आर के पहले एक कॉन्सोनेंट और आई आर के बाद एक कॉन्सोनेंट, इसलिए हम इसको कहते हैं गर्ल, स्कर्ट, फर्स्ट। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आप ये बात याद रखेंगे कि अगर आपको कोई एक ऐसा वर्ड मिले जहां आई आर के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो और आई आर के बाद भी एक कॉन्सोनेंट हो तो इस तरह के वर्ड में आई का आवाज अ होता है। फ्रेंड्स आई का एक आवाज आई व होता है, ऐसा कब होता है इस बात को आपको समझना होगा। फ्रेंड्स जब आई के बाद वीई आता है तो आई का आवाज आई होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर आई आया है और आई के बाद यहां पर वीई आया है, तो फ्रेंड्स जब कहीं आई आया हो और आई के बाद वीई आया हो तो यहां आई का आवाज आई व होता है। जैसे इंपल्सिव, इवेसिव, अट्रैक्टिव, कैप्टिव, फेस्टिव, अग्रेसिव, एक्टिव, रेस्टिव, असर्टिव, पैसिव, सेंसिटिव, कर्सिव। तो फ्रेंड्स आप यहां देख सकते हैं कि यहां आई आया हुआ है और आई के बाद वी आया है, यहां पर आई आया हुआ है और आई के बाद वी आया है। तो इस रूल को हमेशा याद रखेंगे कि जब आई हो और आई के बाद वी हो तो आई का आवाज आई व होता है। फ्रेंड्स यहां मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैंने कुछ देर पहले कहा कि जब कहीं आई आया हो और आई के बाद कोई कॉन्सोनेंट आया हो और उसके ठीक बाद ई आया हो तो आई का आवाज आई होता है। तो अगर यहां पर गौर करेंगे फ्रेंड्स तो पाएंगे कि यहां पर आई लिखा हुआ है और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट आया है, फिर उसके ठीक बाद ई आया हुआ है, तो उस रूल के हिसाब से यहां आई का आवाज आई होना चाहिए। ये सभी वर्ड्स भी उस रूल के एक्सेप्शन हैं, बट आपके लिए अच्छा होगा कि आप ऐसे याद कर लें, जब आई के बाद वीई आता है तो आई का आवाज आई व होता है। इस तरीके से सीखना आपके लिए इजियर होगा। आइए फ्रेंड्स आई का अंतिम आवाज देखें। फ्रेंड्स आई का एक आवाज ई होता है
और फ्रेंड्स इस तरह के बहुत कम वर्ड हैं जहां आई का आवाज ई हो। जैसे ये वो वर्ड्स हैं जहां आई का आवाज ई होता है। आइए इसे एक एक करके देखते हैं। इसे कहते हैं कैसीनो, ये है क्वारंटीन, इसे कहते हैं रेजिम, ये है सबमरीन और ये है मरीन। तो फ्रेंड्स इन वर्ड्स में आई का आवाज ई होता है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आई का आवाज आपको अच्छा से समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आती है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए लेसन में, तब तक के लिए बाय।